हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ अरूपा। मेरा चैनल बेबी फार्म एंड फूड में स्वागत है। मार्केट से एक गुट्टा लेके आई थी, बेटी को क्रिस्पी कॉर्न खाना था, मेरे को कॉर्न का चाट खाना था, तो मैंने क्या की क्रिस्पी कॉर्न चाट ही बना ली। कॉर्न को अच्छे से धो दी, इस पर उसके बाद थोड़ा सा वाटर में थोड़ा सा हल्दी डाल के इसमें थोड़ा उबाल आने दी। जब कॉर्न अच्छा से बॉयल हो गया तो उसको निकाल दी। निकाल के उसको ठंडे पानी में अच्छे से क्लीन कर दी ताकि वो स्टार्च फ्री हो जाए। स्टार्च फ्री होने के बाद होने से हमारा चिपचिपा नहीं होगा। दूसरे साइड में कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दी, उसको गर्म होने दी। फिर हम कॉर्न में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दी, 1/4 टेबल स्पून। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दी और 1 टेबल स्पून उसमें हम मैदा ऐड कर देंगे। 1 टेबल मैदा में अच्छा से बाइंडिंग होने में अच्छा होता है। उसको हल्के हाथ से फिर बाइंडिंग होने दी। जब हल्के हाथ से बाइंडिंग होने के बाद उसमें 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। उसको भी हल्के हाथ से मिक्स करने से बाद उसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर उसमें हम जो ऑयल को गर्म किए थे वो ऑयल में इसको मिक्सर को फिर डाल के अच्छे से फ्राई कर दूंगी, तब तक जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। उसके बाद मैंने हमारा क्रिस्पी कॉर्न बन गया है। क्रिस्पी कॉर्न का चाट बनाने के लिए फिर इस क्रिस्पी कॉर्न को मैंने क्रिस्पी कॉर्न में एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। उसके बाद बारीक कटा हुआ इसमें हम खीरा को भी ऐड कर दी। उसके बाद गार्लिक का मिक्सचर है फ्लेवर बनाने के लिए, वो मिक्सचर को मैंने ऐड कर दी। उसके बाद थोड़ा धनिया का पत्ता ऐड करके उसके टेस्ट को और दोगुना बनाने के लिए थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर दी। नींबू ऐड करने के बाद मेरा क्रिस्पी कॉर्न बन गया है, क्रिस्पी कॉर्न का चाट बन गया है। थैंक यू।